दिल्ली मेरठ आरआरटीएस की और एक अपडेट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अपडेट देखेंगे 100 दिनों के बाद में मेरठ साउथ के स्टेशन से मुरादनगर तक की। वैसे अब रैपिड रेल साहिबाबाद से लेकर मोदी नगर नॉर्थ के स्टेशन तक चालू है और मेरठ के मोदीपुरम से प्रतापपुर तक का भी शूट हो चुका है। ये वीडियो अगले 2 से 3 दिनों में आ जाएगी। चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेजरली स्टेशन की ही अपडेट दूंगा। ट्रैक बिछाने का काम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से आगे की साइड में हो चुका है। अब यहां से आगे की साइड में यानी प्रतापपुर की साइड में ट्रैक को बाद में बिछाया जाएगा, लेकिन ओवरहेड वायरिंग के लिए पोल्स को लगा दिया गया है। यहां पे लगा दिया गया है गेट, यानी ये है एंडिंग पॉइंट ट्रेन्स के लिए। ट्रेन्स इस पॉइंट से आगे की तरफ नहीं जाने वाली है। आगे की तरफ तो आप देख ही रहे हो ट्रैक्स बिछ चुके हैं दोनों तरफ के, ओवरहेड वायरिंग का काम भी हो गया है। ये है मेरठ साउथ का स्टेशन। यहाँ पे आपको मेरठ मेट्रो और रैपिड रेल दोनों मिलेंगी। सबसे लेफ्ट साइड में यहाँ पे चलेगी मेरठ मेट्रो। स्टेशन के लेफ्ट साइड के गेट का और पार्किंग का देख सकते हो काम पूरा हो चुका है, जो पिछली अपडेट में काफी बाकी था। स्टेशन के साइड में फसाड लगाने का काम अभी बाकी है, पिछली अपडेट तक ये प्रोग्रेस थी। दूसरी तरफ भी पार्किंग लॉट और गेट का काम हो गया है, पिछली अपडेट ये थी इस तरफ की। स्टेशन के दूसरी तरफ भी फसाड का काम ऑलमोस्ट पूरा है। पिछले 3 महीनों में काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है इस स्टेशन के ऊपर। ये स्टेशन भी अगले महीने स्टार्ट हो जाएगा। ये है मोदी नगर नॉर्थ का स्टेशन। अभी रैपिड रेल यहां तक ही चालू है। यहां तक रैपिड रेल चालू हुई थी 6 मार्च को। स्टेशन के लेफ्ट साइड में फसाड का काम पूरा ही पेंडिंग है। दोनों तरफ के गेट का काम पूरा हो गया था, इसीलिए रैपिड रेल को यहां तक स्टार्ट कर दिया गया है। पिछली अपडेट इस साइड के गेट की और पार्किंग लॉट की ये थी, तो काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है पिछली अपडेट के कंपैरिजन में। यहाँ पे बस पार्किंग वाले एरिया में मार्किंग का काम बाकी है। सेम दूसरी तरफ के पार्किंग लॉट में भी मार्किंग का काम बाकी है। फसाड का काम दूसरी तरफ भी पूरा ही बाकी है। फसाड का काम मोदी नगर साउथ के स्टेशन के लेफ्ट साइड में भी बाकी है। इस साइड में पार्किंग लॉट और गेट का काम पूरा हो चुका है, पिछली अपडेट ये थी स्टेशन के इस तरफ की। तो देख सकते हो फसाड का काम ज्यादा नहीं हुआ था और पार्किंग लॉट और स्टेशन के गेट की भी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं थी। दूसरी साइड में भी पार्किंग का काम पूरा है और इस साइड में भी फसाड का काम अभी बाकी है। और ये है मुरादनगर का स्टेशन। यहाँ पे भी इस स्टेशन के लेफ्ट साइड में फसाड का काम अभी बाकी है। पार्किंग लॉट का काम पूरा हो चुका है, पिछली अपडेट इस स्टेशन की ये थी। तो देख सकते हो ज्यादा प्रोग्रेस नहीं थी फसाड की पिछली अपडेट में। दूसरी तरफ का गेट भी बनके तैयार है, पार्किंग लॉट में मार्किंग का काम होना है और फसाड का काम इस साइड में भी पेंडिंग है। अब इन चारों स्टेशन की प्रोग्रेस देखें तो सबसे ज्यादा काम मेरठ साउथ के स्टेशन पर ही हुआ है।
और सबसे कम प्रोग्रेस है मोदी नगर नॉर्थ के स्टेशन पर। अगले महीने मेरठ साउथ के स्टेशन तक रैपिड रेल स्टार्ट होने के बद में नेक्स्ट फेज में स्टार्ट होगी दिल्ली में सराय काले खां तक, जो शायद इस साल के लास्ट में जाके हो जाएगी, और सबसे लास्ट में होने वाली है मोदीपुरम तक। बस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।